फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने भारी भरकम ड्रेस में कहाँ पे हूँ, कहीं कुल्लू मनाली तो नहीं? जी नहीं, मैं आई हूँ उदयपुर और मैं रुकी हूँ अरालियाज रिजॉर्ट में, जो कि थोड़ा उदयपुर सिटी में आउटस्कर्ट्स में बसा है। और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा उदयपुर के बाकी जगहों से थोड़ा यहाँ पे और लो होता है, तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी ग्रीनरी के साथ बना है। फतेह सागर लेक के पास उदयपुर में है और ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में से माना जाता है। सो अभी मैं बोटिंग करने जा रही हूँ। फतेह सागर लेक के पास जो कि उदयपुर में है और यहाँ के चार जो लेक्स फेमस हैं उनमें से ये एक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बोटिंग अगर बहुत पसंद है तो आप यहाँ पे बोटिंग करने का आनंद ले सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं और बोटिंग करके ही आप नेहरू गार्डन में आ सकते हैं। गार्डन अगर आप फतेह सागर लेक आए हैं तो नेहरू गार्डन जरूर जाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर है और ये पूरे इस लेक के बीच में है। जो कि अनदर अट्रैक्शन पॉइंट है उदयपुर का। अगर आप आए हैं उदयपुर तो आप यहाँ जरूर आइए। उसके बारे में थोड़ा सा बीच बता देते हैं। राजा संग्राम सिंह ने ये अपनी अपनी रानी और उनकी जितने भी राजमहल में रहने वाली महिलाएं थी उनके लिए ये बनाया था। आई थी फिर मुझे लगा कि एक बार डे टाइम में आके भी यहाँ की ब्यूटी देखनी चाहिए, तो हियर आया। और इस एरिया को कहते थे बिन बादल बरसात, यानी कि अगर बारिश हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन यहाँ पे इतने सुंदर फाउंटेन्स होते थे कि मतलब रानियां यहाँ आके इवन बारिश नहीं हो रही हो तो भी उन्हें पानी में एंजॉय करने का मौका मिल जाता था।
सो यहाँ पे सबसे चार इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं उनमें से एक है पिचोला लेक। पिचोला लेक जो कि एक गांव पिचोली नाम है उसके नाम पे पिचोला लेक पड़ा कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है। मेजर अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो एक लेक पिचोला भी है, लोग यहाँ भी जाते हैं और बोटिंग करके आप यहाँ पे जितने भी पैलेस हैं जो भी है आप सब यहाँ से देख सकते हैं। आप इट इज सराउंडेड बाई मैनी रेस्टोरेंट्स होटल एंड आप यहाँ पे आराम से बोटिंग करके हर चीज़ वो नज़ारा ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कहीं जाना है, कोई रेस्टोरेंट भी जाना है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। देख रहे हो ये है लेक पैलेस, ये लेक पिचोला के बीच में बसा हुआ है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है और कितना सुंदर सीन। सराउंडिंग पसंद है तो यू शुड कम हियर, आई एम श्योर इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।